तो दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने साइन कर लिया है जॉनसन चार्ल्स को। अब क्या जॉनसन चार्ल्स जब स्क्वाड में आए हैं तो उनको प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी, और अगर मिलेगी तो किस तरह की केकेआर की प्लेइंग 11 होगी आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, और आपके हिसाब से क्या जॉनसन चार्ल्स को प्लेइंग 11 में जगह मिलनी चाहिए केकेआर के, कमेंट कर हमें जो है वो जरूर बताएं। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की सिचुएशन की अगर बात करें तो 9 में से सिर्फ 3 मुकाबले अभी तक इस टीम ने जो है वो जीते हैं। बहुत ही खराब इस समय इनकी सिचुएशन है। अगर इन्हें प्लेऑफ में जाना है तो इनके जो 5 मुकाबले बचे हैं, 5ों के 5ों मैचेस इन्हें जीतने होंगे, तभी इनके 16 पॉइंट होंगे, और 16 पॉइंट से नीचे यहां पर मुश्किल ही लग रहा है कि कोई टीम प्लेऑफ में हमें जाती हुई जो है वो नजर आए। ऐसे में डू और डाई की सिचुएशन में है केकेआर की टीम। आज हैदराबाद के खिलाफ अपना अगला मुकाबला जो है वो खेलने वाली है। इस मुकाबले से पहले यहां पर बड़ा डिसीजन केकेआर के मैनेजमेंट ने लिया है। आपको बता दें कुछ दिनों पहले लिटन दास जो है वो टीम को छोड़कर अपने देश वापस चले गए थे पर्सनल रीजन के कारण। हालांकि उन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं किया केकेआर की टीम ने, क्योंकि जो मुकाबला उन्होंने खेला था अपनी कीपिंग के दम पर ही दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ केकेआर की टीम को हरा दिया था। उसके बाद उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर भी किया गया। अब वो यहां पर बांग्लादेश वापस गए तो केकेआर की टीम उनका रिप्लेसमेंट भी ला चुकी है, जहां पर आपको बता दें कि जॉनसन चार्ल्स को ये टीम एज अ रिप्लेसमेंट जो है वो लेकर आई है। जॉनसन चार्ल्स की बात करें तो ये भी ओपनर है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अटैकिंग ओपनर है, और रिसेंट जो इनका फॉर्म है वो भी काफी अच्छा हमें जो है वो नजर आया है। ऐसे में दोस्तों क्या इन्हें प्लेइंग 11 में डायरेक्टली जगह मिलेगी? तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही रेयर चांसेस है कि इन्हें प्लेइंग 11 में जगह मिले केकेआर के। अगर यहां पर गुरबाज और जेसन रॉय में से कोई फ्लॉप होता है आने वाले एक दो मुकाबलों में, तब जाकर जॉनसन चार्ल्स को प्लेइंग 11 में जगह जो है वो मिल सकती है, वरना दोस्तों ये हमें बेंच पर ही नजर आएंगे और पूरा सीजन भी बेंच पर हमें नजर आते हुए नजर जो है वो आ सकते हैं। लेकिन अगर इन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिलता है तो किस तरह की प्लेइंग 11 होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एज अ ओपनर दोस्तों ये हमें नजर आएंगे गुरबाज या फिर जेसन रॉय, इनमें से किसी एक के साथ ओपन करते हुए। नंबर 3 पर वेंकटेश अय्यर होंगे, 4थे नंबर पर कप्तान नीतीश राणा, तो 5वें नंबर पर रिंकू सिंह, 6ठे नंबर पर आंद्रे रसल होंगे, 7वें नंबर पर शार्दुल ठाकुर, तो 8वें नंबर पर होंगे सुनील नरेन, 9वें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती हमें नजर आएंगे, 10वें नंबर पर सुयश शर्मा होंगे, और 11वें नंबर पर हर्षित राणा या फिर वैभव अरोड़ा, इनमें से कोई एक हमें प्लेइंग 11 का हिस्सा बनता हुआ नजर आएगा। कुछ इस तरह की प्लेइंग 11 होगी जब जॉनसन चार्ल्स की एंट्री होगी। अभी नहीं, अभी क्योंकि ये टीम हैदराबाद के खिलाफ भिड़ने वाली है, वहां पर हमें जेसन रॉय और गुरबाज की ही जोड़ी नजर आएगी। मोस्ट प्रोबेबली यही दो खिलाड़ी ओपन करते हुए हमें जो है वो नजर आएंगे। अब दोस्तों आपको कैसी लग रही है प्लेइंग 11, आपको कैसा लग रहा है ये रिप्लेसमेंट, कमेंट कर हमें जो है वो जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।